इसके लिए हमने यूज़ किया है 3 कलर की थ्रेड्स का, और मैंने यूज़ किया एंकर की पर्ल कॉटन 8 नंबर की थ्रेड, और कंटेनर और क्रोशे हुक 0.85 mm की, प्लायर, फैब्रिक ग्लू, सीज़र और ब्रश, और जंप रिंग एंड इयरिंग हुक्स और वाटर। सबसे पहले एक मैजिक सर्कल और एक मैजिक रिंग बनाएंगे। एक चेन बनाई, अब 2 चेन और ये 3 चेन बनाई। 3 चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगा, और इसी रिंग के अंदर एक डबल क्रोशे और बनाया, 2 डबल क्रोशे एक साथ, फिर एक चेन बनाई और फिर मैजिक रिंग के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे और एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे एक साथ, फिर एक चेन बनाएंगे। ये हमारे पास 2 पेयर हो गए, और इस तरह से हमें टोटल 6 पेयर बनाने हैं। एक डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, एक चेन, इस तरह से हमारे पास 3 हो गए, और 3 और बनाने, टोटल 6 बनाने हैं। देखिए हमने 6 पेयर बना लिए 2 डबल क्रोशे के प्लस 1 चेन। अब इसको ऐसे पुल करेंगे, ये वाले थ्रेड को खींचेंगे। अब ये जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसमें से देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, देखिए इस तरह से, और एक चेन बनाएंगे और जो अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे। यहाँ से हम एक नई कलर की थ्रेड लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बना। अब ये बीच वाली थ्रेड को और खींच लेंगे, देखिए हमें अपना पैटर्न इस तरह से बनाना है। अब यहाँ से हम डिफरेंट कलर की थ्रेड का यूज़ करेंगे अटैच करने के लिए। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, अपने पैटर्न को पकड़ेंगे। देखिए हमने 2 डबल क्रोशे के बीच में एक एक चेन बनाई है, देखिए एक एक चेन का कैप दिया है, उसमें से कहीं भी एक चेन वाली जगह में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप नॉट को डालेंगे, देखिए इस तरह, और एक चेन बनाते हुए अटैच करेंगे अपनी थ्रेड को। एक चेन बनाई, 2 चेन और ये 3 चेन, 3 चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगा। अब ये देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशे और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन का गैप देंगे और इसी जगह पे 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से, फिर एक चेन बनाएंगे। अब देखिए जो ये नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे के बाद हमने एक चेन बनाई थी, ये देखिए इस वाली जगह में हम ये वाली थ्रेड को इस तरह से साथ साथ बुन लेंगे ताकि ये हाइड हो जाए, निकले भी ना, दिखे भी ना। अब इस वाली जगह में फिर से हम 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 और ये दूसरा 2 डबल क्रोशे, इस तरह बनाया, फिर एक चेन बनाई। अब देखिए 2 डबल क्रोशे के बाद हमने जो एक चेन का गैप दिया है उस वाली जगह में हम फिर से 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2, फिर एक चेन का गैप, फिर इसी जगह पे 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2, इस तरह, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट ये देखिए 2 डबल क्रोशे के बीच में जो एक चेन हमने बनाई थी यहाँ पे, इस तरह से हम बनाते जाएंगे। ये एक 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, इस तरह से बनाते जाएंगे ये पैटर्न। ये थ्रेड को भी साथ साथ बुन लेंगे ताकि हाइड हो जाए, इस तरह से, देखिए 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसको भी अब साथ साथ बुन लेंगे ताकि ये निकले ना और दिखे भी ना। बैक वाली हमने बुन ली, जितनी बची उसे कट कर दीजिए, निकलेगी नहीं और दिखेगी भी नहीं इसको। अब ये देखिए ये वाली जो है
इसको भी बुन लेंगे ऐसे ही, दो डबल क्रोशे। एक चेन, इस तरह से हम बनाते जाएंगे अपना पैटर्न। देखिए इस तरह से बना। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में हम क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ से। इस तरह से पैटर्न बना। अब एक चेन बनाएंगे और अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये पैटर्न, देखिए जो ये थ्रेड है इनको सुई या क्रोशियो की हेल्प से भी हाइड कर सकते हैं। तो बैक लूप में डालते हुए जो सेंटर मिड वाली थ्रेड है मैजिक रिंग वाली, इसको हम लूप में डालते हुए हाइड करेंगे, जिससे हमारी हमारा जो पैटर्न है सिक्योर रहेगा और निकलेगा भी नहीं थ्रेड और दिखेंगे भी नहीं। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट कर लीजिए। सेम इसको भी ऐसे ही हाइड कर लेंगे। यहाँ से हम एक डिफरेंट कलर की थ्रेड को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट नॉट पैटर्न को पकड़ेंगे। देखिए जो एक एक चेन वाली जगह है यहाँ से क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप नॉट को डालेंगे और एक चेन बनाते हुए अपनी थ्रेड को अटैच करेंगे। तो इस तरह से अटैच हो गई दो, और ये तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगी सेम इसी जगह पे। एक डबल क्रोशे और ये दो डबल क्रोशे, और इसी जगह में ये थर्ड डबल क्रोशे। तीन डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे हम और एक चेन बनाएंगे। और नेक्स्ट देखिए इस तरह से बना थ्री डबल क्रोशे। अब यहाँ पे देखिए दो डबल क्रोशे के बीच में भी हमने एक चेन बनाई थी, यहाँ पर भी हम थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे। एक दो तीन, तीन डबल क्रोशे हम एक साथ बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे देखिए इस तरह, और एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट एक चेन वाली जगह में फिर से थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे। एक दो तीन डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। अब एक चेन बनाएंगे इस तरह, फिर नेक्स्ट ये जो देखिए दो डबल क्रोशे के बीच में एक चेन बनाई थी हमने, जो जो भी एक एक चेन की जगह है उन सभी में हम थ्री थ्री डबल क्रोशे और प्लस एक चेन बनाएंगे। और एक चेन देखिए इस तरह ये बनता जाएगा हमारा पैटर्न। देखिए इस तरह से बना। अब एक चेन बनाई और फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से इस तरह जोड़ लेंगे, एक चेन बनाएंगे और अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न बना। अब ये देखिए यहाँ से हम डिफरेंट कलर की थ्रेड को अटैच करेंगे। तो स्लिप नॉट बनाएंगे सबसे पहले, जो हमने यूज़ किया था पहले ये सेंटर में, उसी कलर की थ्रेड यूज़ कर रहे हैं। देखिए अभी जो एक एक चेन का गैप है इस वाली जगह में क्रोशियो को डालेंगे, थ्रेड को डालेंगे, स्लिप नॉट को डालेंगे इस तरह, और एक चेन बनाते हुए थ्रेड को अटैच कर लेंगे। एक चेन दो चेन और एक थ्री चेन, तीन चेन एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे सेम इसी जगह पे। एक डबल क्रोशे और बनाएंगे, ये दो डबल क्रोशे हो गए। ये जो थ्रेड है इसे साथ साथ बुन लेंगे ताकि हाइड हो जाए, दिखे भी ना निकले भी ना। ये तीन डबल क्रोशे हो जाएंगे। अब देखिए जो तीन डबल क्रोशे एक साथ हैं उसमें से हम फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, सेकंड वाले के ऊपर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, सेकंड चेन के ऊपर एंड थर्ड चेन के ऊपर भी डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से अब ये एक चेन वाली जगह पे आ गए, फिर से यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, एक एक साथ एक चेन वाली जगह पे, दो और ये तीन डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। अब यहाँ पे तीन डबल क्रोशे एक साथ हैं तो हम हर बार फर्स्ट डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे, स्किप कर देंगे इसे। सेकंड में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, थर्ड में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए आप चाहें तो ये थ्रेड सुई या क्रोशियो की हेल्प से भी हाइड कर सकते हैं अगर आप साथ साथ नहीं बुनना चाहते तो, लूप्स में डालते हुए।
इससे भी निकलेगी नहीं, दिखेगी भी नहीं। और ये देखिए, अब एक चेन वाली जगह में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 और ये 3। इस तरह अब फिर से हम ये 3 डबल क्रोशे वाली जगह में आए, तो फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, लास्ट के बीच के सेकेंड और थर्ड वाले में बनाएंगे, सेकेंड वाले में और ये थर्ड वाले में। तो इस तरह से ये अपना पैटर्न बनाते जाएंगे पूरे राउंड में। एक चेन वाली जो गैप है उसमें 3 डबल क्रोशे, और 3 जो एक साथ होंगे उसमें फर्स्ट वाले में भी नहीं बनाना, सेकेंड और थर्ड वाले में भी 1 डबल क्रोशे बनाना है। तो ये बनाते जाते हैं, बहुत ईजी है। अब देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में क्रोशियों को डाल के स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इस तरह से ये पैटर्न बनेगा, और एक चेन बनाएंगे और इसको कट कर लेंगे थ्रेड को। तो देखिए, इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन गया, सेम ये भी। अब इन पैटर्न्स को ब्लॉक करेंगे। देखिए, जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको सुई या क्रोशियो की हेल्प से आप लूप्स में डालते हुए हाइड कर लीजिए। सुई सबसे बेस्ट ऑप्शन है, थ्रेड अगर आपकी पतली है तो। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पैटर्न बन गया। अब देखिए, फैब्रिक ग्लू और वाटर को इक्वल अमाउंट पे मिक्स करेंगे। अभी जो पैटर्न है इनको उल्टा रखेंगे बैक साइड में। अब देखिए, इसमें हम अप्लाई करेंगे इस तरह से अपने पैटर्न को। इस तरह से हम ग्लू अप्लाई करेंगे ब्रश की हेल्प से, पूरे पैटर्न में अप्लाई करेंगे और ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, अब एक जंप रिंग लेंगे और इसे ओपन करेंगे प्लायर की हेल्प से। अब अपने पैटर्न को पकड़ेंगे जो हमने बनाया है। अब इसको देखिए, कहीं से भी जो चेन है ऊपर, किसी भी चेन में हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए, ये जो चेन है तो इनमें से, तो इसमें हम ये अपनी जंप रिंग को अटैच करेंगे। अब देखिए, जंप रिंग को अटैच किया। अब यहाँ पे हम इयरिंग हुक भी लगाएंगे, इसके अंदर डालेंगे। देखिए इस तरह, अब इसको क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये हमारी अटैच हो गई। अब ये इयरिंग तो इस तरह से बनी, हमने दूसरी भी अटैच कर ली है। बहुत ही सिंपल, और ये बहुत ही लाइट वेट होती हैं इयरिंग्स, और बहुत ही इजीली भी बन जाती हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारी इयरिंग्स बनी बैक साइड, और ये फ्रंट, ये फ्रंट साइड, और ये बैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।